हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो हम ऐसी दवाइयों के बारे में सीखने वाले हैं कि जो हमारे शरीर में होने वाली सूजन को कम करती है। तो ये मेडिकेशंस मेनली तीन टाइप्स के अंदर इंक्लूड हो सकती है। तो एक जो है वो हम नेचुरल कह सकते हैं कि नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दूसरे बन सकते हैं स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और तीसरा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये तीनों के बारे में हम सीखेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली, और अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऊपर। सभी मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर उनके PDF एंड PPTs ऑफ फार्मर ऑक्स की आप ऊपर एक्सेस कर पाओगे और जान पाएंगे आप अलग अलग डिसीजेज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तभी डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए ये कोर्स अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप 9016312020 ये नंबर पर व्हाट्सएप करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करवाता हूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो ऐसे मेडिकेशन से कि जो इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और साथों साथ इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड कोई डिसीज़ है या फिर कोई डिसऑर्डर से तो उसके भी ट्रीटमेंट में ये दवाइयाँ जो है वो यूज़ की जाती है। कि यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो लेग है और ये वाला आप देखो, तो दोनों में आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है, जबकि ये वाली साइड आप देख रहे हो तो वो है नॉर्मल साइड। तो जब ऐसे इन्फ्लेमेशंस होती है बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर, अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है या फिर बाहर की ओर इन्फ्लेमेशन है, सभी टाइप के इन्फ्लेमेशन को क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो ये मेडिकेशंस के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि जो ऐसे केमिकल्स के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सूजन के लिए, तो उनको ब्लॉक करके अपनी जो है वो इफ़ेक्ट देती है, जिससे इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होता है। कि समझो कि ये जगह पर जो आपको रेडनेस और जो सूजन देखने को मिल रही है, तो ये इसके कारण होती है कि जब ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ क्या करती है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेशन होने के लिए, जो मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, उनको ब्लॉक कर देता है या फिर उनकी इफ़ेक्ट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिससे आपका जो है वो सूजन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब आपके माइंड में ज़रूर से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसे कौन से ऐसे केमिकल्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेशन के लिए, तो जिनको मेडिएटर्स भी कहा जाता है, उनको केमिकल्स या फिर मेडिएटर्स कहे जाते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी जगह पे कोई इंजरी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है, कोई टॉक्सिसिटी होती है, कोई टॉक्सिन्स की इफ़ेक्ट होती है, तो तुरंत उस जगह पर मेडिएटर्स रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है। कि जैसे हमने सीखा था कि ये जो अराचिडोनिक एसिड होते हैं उसके लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कि एक साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम होता है और दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। अब ये एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट से आगे जाके ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स के तौर पर। साथ ही उसके अलग अलग वर्जन्स भी बनते हैं कि जो पेन और सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारे मेडिकेशन स्पेशली क्या करते हैं कि समझो कि ये कॉक्स एंजाइम है, उसको उसके दोनों वर्जन को या फिर किसी एक वर्जन को जो है वो कम्प्लीटली बंद कर देगा, कि जिससे आगे जाके ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही ना बने। तो उस तरह से ये जो पेन के लिए मेडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन के जो मेडिएटर्स होते हैं, उनको कम करके अपनी इफेक्ट देता है। तो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मेडिएटर्स है, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामाइन है, इंटरल्यूकिंस के अलग अलग वर्जन से, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की जिसको हम कहते हैं PAF, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है इन्फ्लेमेशन के लिए, गामा इंटरफेरॉन है, फिर TNF जिसको हम कहते हैं ट्यूमर
नेक्रोसिस फैक्टर, कि जब किसी को कैंसर वगैरह होते तो उस वक्त ये फैक्टर जो है वो वहाँ पे सूजन करवाने में एक इन्वॉल्व होता है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं और लिम्फोटॉक्सिन, तो ये सभी मेडिएटर्स जब किसी भी जगह पे रिलीज होते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक मेडिएटर रिलीज होता है तो भी वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो स्पेशली इन्फ्लामेशन क्या है? तो इन्फ्लामेशन एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो सबसे पहले तो रेड हो जाता है। कि देखो यहाँ पे कि जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहाँ पे समझो कि ये जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, कि कोई डेंटल इन्फेक्शन हुआ है। तो डेंटल इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मसूड़े होते हैं वो कई बार रेड हो जाते हैं, वहाँ पे सॉरनेस देखने को मिलती है, और वहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे सूजन स्वॉलन हो जाता है, मतलब कि उस वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो जब भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई इंजरी होती है तो वो पोर्शन लाल हो जाता है थोड़ा, वहाँ पे सॉरनेस देखने को मिलती है और वहाँ पे सूजन मिलती है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन। तो सूजन कब तब होती है कि जब हमारे बॉडी को किसी भी तरह से कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंटली कोई इंजरी हमें होती है किसी भी जगह पे, तो तुरंत वहाँ पे ये सूजन देखने को मिलते हैं। या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, के चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हुआ है, कोई वायरस के कारण हुआ है, फूक के कारण हुआ है, किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो, तो सभी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन कई बार देखने को मिलता है। या फिर वो एरिया जो है वो हमारी बॉडी का डैमेज हुआ है, या फिर कोई ऐसे टॉक्सिन्स वहाँ पे रिलीज हुए, तो ये सभी के कारण जो इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स वहाँ पे रिलीज होते हैं और वो मेडिएटर्स जो है वो करवाते हैं सूजन। तो बॉडी स्टार्ट टू हील इट सेल्फ एंड स्टार्ट हीलिंग एंड सेल विल रिलीज केमिकल्स विच प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। अब हमें पता है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के, कोई अंदर कोई टॉक्सिन्स आते हैं या फिर वो पोर्शन डैमेज होता है, कि जब हमारी बॉडी की जो हीलिंग सिस्टम होती है तो ये हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी को रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो उसके दौरान ये केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, कि जो हमने अभी देखे कि जितने भी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं वो वहाँ पे जो है वो सूजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सूजन जो है वो एक साइन बनता है कि जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी इन्फेक्शन के सामने, किसी भी इंजरी के सामने, टॉक्सिन्स या फिर डैमेज के सामने, और वो अपनी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो इन्फ्लेमेशन कितने स्टेप्स में होता है? तो सबसे पहले आप देखो इन्फ्लेमेशन के जो साइन, तो पहला बनता है रेडनेस, कि रेडनेस को जो है वो रूबर भी कहा जाता है, कि सबसे पहले वो एरिया रेड हो जाता है, कि जिसको रेडनेस कहा जाता है, और दूसरा वर्ड उसके लिए है रूबर। फिर स्वेलिंग, के जिसको ट्यूमर भी कहा जाता है, तो स्वेलिंग होना। फिर तीसरा हम देखें तो वो है पेन होना, कि जिसको डॉलर कहा जाता है कि पेन। और चौथा हम देखें तो वहाँ पे फिर हीट जैसा होना, कैलर जिसको कहा जाता है। तो ये चार साइन है इन्फ्लेमेशन के, और ये चारों कॉम्बिनेशन कर होके वो पर्टिकुलर एरिया के जो फंक्शन है उसको लॉस करवा देते, कि लॉस ऑफ फंक्शन। कि समझो कि कई जगह पे आपको इंजरी हो तो वहाँ पे रेडनेस हो गई, फिर सूजन हो गई, पेन भी हो रहा है, और हीट मतलब कि जलन होना, ऐसे कंडीशन कि जब इन्फ्लेमेशन सूजन होती है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे जलन होगी। तो इस तरह से पूरे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस बनती है, और ये जब सिम्टम्स इकट्ठा होते हैं एक साथ तो जो फंक्शन है वो एरिया का वो अच्छे से नहीं कर पाते आप, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन। तो सिंपली एक आप एग्जांपल लीजिए कि समझो कि आपको हुआ है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जब होता है तब ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिस जगह पे बोन फ्रैक्चर हुआ है या फिर जॉइंट के आसपास कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो तुरंत वहाँ पे रेडनेस जो है वो देखने को मिलती है कई बार, या फिर वहाँ पे इंजरी भी हुई है तो रेडनेस हो जाएगी। फिर जहाँ पे ब्रोक हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन, और फिर आपको वहाँ पे जलन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये सब कॉम्बिनेशन होता है तो वो पार्ट जो है वो हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता, कि जिसको कहते हैं हम लॉस ऑफ फंक्शन। तो अब जानना जरूरी है कि इन्फ्लेमेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेन दो टाइप के इन्फ्लेमेशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब कि वो
टेम्पररी रहेगा, जित वो डिसीज़ के रिलेटेड ही रहेगा, जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस जो है वो बार बार होते हैं आपके बॉडी के अंदर। जैसे कि आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, तो सीवीएस रिलेटेड जब आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स रिलेटेड, उनके रिलेटेड कोई डिसीज एंड डिसऑर्डर से, तो बार बार आपकी बॉडी के अंदर सूजन होती है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है तो भी उस वक्त सूजन देखने को मिलती है। कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह है, जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की, जिसके अंदर हम जानते हैं कि अलग अलग जॉइंट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है। फिर कैंसर के अंदर भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ल्यूपस के अंदर, फाइब्रो माइग्लिया के अंदर एंड क्रोनिक फटिग सिंड्रोम के अंदर भी आपको ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलता है। बट एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी की हीलिंग सिस्टम वो इन्फ्लेमेशन को जो है वो फिर से नॉर्मल भी कर देता है। तो जैसे कि कोई आपको एलर्जी हो गई है किसी रिएक्शंस के कारण, कि कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है, तो इंसेक्ट बाइट की एलर्जी के कारण टेम्पररी वहाँ पे सूजन हो जाती है। समझो कि आपको किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया, कि जैसे कि मधुमक्खी ने आपको बाइट किया है, फिर समझो कि किसी भी और मच्छर ने काट लिया है, तो भी आप देखो टेम्पररली वो एरिया पे जो है वो सूजन इन्फ्लेमेशन जैसे देखने को मिलती है। बट वो ऑटोमेटिकली बिना किसी मेडिकेशंस के लिए भी कई बार वो कंडीशन थोड़े समय के बाद रिवर्स हो जाती है। तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशंस होते हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, हम कह सकते हैं कोई केमिकल्स के कारण टेम्पररी इन्फ्लेमेशंस होना, इन्फेक्शंस के कारण, ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण होना, और बर्निंग्स के कारण होना, कि वो एरिया समझो कि जल वहाँ पे बर्निंग हुआ है आग के कारण, या फिर कट हो चुका है, वाउंड्स हो चुके हैं, और फ्रॉस्ट बाइट जैसे कोई इंसेक्ट के बाइट के कारण हुआ है, तो ये सभी जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो अब समझते हैं कि ये इस टाइप के समझो कि इन्फ्लेमेशंस होते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन ऐसा चलता है कि लंबे समय तक चलता है और आप जो है वो अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाते, तो उस वक्त ये मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम मेनली दो कैटेगरी में, सबसे पॉपुलर जो हम कह सकते हैं दो कैटेगरी, एक थे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और दूसरे है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम नसेड्स भी कहते हैं, और जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनको कॉर्टिको स्टेरॉयड्स भी कहा जाता है। कि कॉर्टिको स्टेरॉयड्स में से कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं कि जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये डेक्सोना जो है, कि जिसके अंदर डेक्सामेथासोन है, फिर बीटा मिथाजोन है, तो ये पॉपुलर ऐसे स्टेरॉयड्स है कि जो सूजन वगैरह को, इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइक्लोफेनेक है, और साथ ही साथ ये पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन की जो है डाइनापार, तो वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ही मेडिकेशन है, पर वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कैटेगरी में आएगा। फिर ये जो सेराटियोपेप्टिडेज है उसको हम नेचुरल कह सकेंगे, बिकॉज वो नेचुरली जो है वो डिराइव किया जाता है अलग अलग एंजाइम्स में से। तो सीखते हैं डिटेल में सभी के बारे में। तो अब नसेड्स के अंदर आप समझो तो जो साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, कि आगे जो मैंने आपको समझाया था कि जो कॉक्स का जो पूरा पाथवे होता है, कि साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको समझो कि हम इनहिबिट कर देते तो आगे जाके जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो नहीं बनता। तो एस्पिरिन जो है वो ये काम करती है, कि एस्पिरिन आप जब यूज़ करते हैं तो भी ये सेम आपको इफेक्ट देती है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस के तौर पे, और ये नॉन स्टेरॉयडल कहा जाता है, मतलब कि ये स्टेरॉयड नहीं है, स्टेरॉयड सिवा सिवाय के दूसरे मेडिकेशंस। तो एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन देख सकते हैं आप, कि ये जो आइबुप्रोफेन के जो 400 मिलीग्राम के टैबलेट्स आते हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर फ्लोरबीप्रोफेन, कि यहाँ पे उसके आई ड्रॉप्स आते हैं, कि ये जो आई ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किया जाता है, कि समझो कि आइज़ रिलेटेड इस तरह के कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो फ्लोरबीप्रोफेन के आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नेप्रोक्सेन के जो टैबलेट्स के टैबलेट्स आते हैं, मेफेनेमिक एसिड है, पायरोक्सिकेम है, केटोरोलैक है, इंडोमिथाजिन है एंड फिनाइल फिनाइल ब्यूटाजोन। तो ये सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स कहे जाते हैं, और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कैटेगरी में पड़ते हैं।
फिर हम देखें दूसरे की जो प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स है, तो कॉक्स टू इनहिबिटर्स में आते हैं निमेसुलॉइड आता है, मेलोक्सिक्याम आता है, इटोडोलेक आता है, डाइक्लोफेनेक आता है और एसिक्लोफेनेक की। ये जो काफ़ी पॉपुलर ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो एज अ पेन किलर भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिक्लोफेनेक के जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है, फिर निमेसुलाइड के यहाँ पे आप टैबलेट देख सकते हैं, मेलोक्सिक्याम की टैबलेट से, फिर और डाइक्लो वगैरह, तो आपको पता ही है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम काफ़ी पॉपुलर ड्रग है, उसके इंजेक्शंस भी आते हैं एज वेल एज उसके टैबलेट जेल वगैरह भी हम यूज़ करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। जब भी आपको किसी की जगह पे सूजन होती है तो हम जो कि डाइक्लोफेनेक की जेल भी लगाते हैं तो भी उस वक्त फ़ायदा होता है, बिकॉज ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है। फिर दूसरे एग्जाम्पल देखिए तो सिलेक्टिव कॉक्स टू के अंदर सेलेकॉक्सिब आता है कि जिसके 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स आते हैं, फिर इटोरिकॉक्सिब होते हैं जिसके 90 मिलीग्राम के टैबलेट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर पेरेकॉक्सिब, ऐसे ये तीन कॉक्स टू इनहिबिटर कहे जाते हैं। फिर ऐसे मेडिकेशंस की जो एनाल्जेसिक है बट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखते हैं, बट वो काफ़ी पुअर इफेक्ट होती है। जैसे कि दो एग्जाम्पल है उसके अंदर, एक है पैरासीटामोल का और दूसरा है मेटामिजोल का। तो पैरासीटामोल जो है वो खासकर हम फीवर में यूज़ करते हैं, बट उसके पास भी माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो होती है। इसके कारण आप देखो जो सूजन के कम करने वाली दवाइयों के अंदर कई बार पैरासीटामोल भी कॉम्बिनेशन में होता है, कि जैसे कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक के कॉम्बिनेशन वाला जो डाइनापार है तो वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है और पेन किलर का भी काम करता है। फिर नेफोपाम करके, तो ये सब हो गए नॉन स्टेरॉयडल। अब समझो कि स्टेरॉयड डर के ये मेडिकेशंस को हम कह सकते हैं कि स्टेरॉइड्स है। तो स्टेरॉइड्स क्लास के मेडिकेशंस की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो सबसे ऊपर पॉपुलर एक है प्रेडनिसोलोन है, कि जिसके 5 मिलीग्राम के जो है वो कैप्सूल सॉरी टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। फिर प्रेडनिसोन के भी टैबलेट्स आते हैं, बीटामिथासोन के टैबलेट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी यूज़ किया जाते हैं, और उसके इंजेक्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि आप देखो और बेटनिसोल करके जो ये इंजेक्शन है, कि जो ये GSK का प्रोडक्ट है, गैस ग्लैक्सोस्मिथलाइन का, तो काफ़ी पॉपुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है स्टेरॉइड क्लास की, कि जो सूजन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके साथों साथ ये डेक्सोना का जो इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन, कि जिसके टैबलेट्स भी आते हैं एज वेल एज उसके ये इंजेक्शन भी मार्केट के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है और डेफ्लाजाकॉर्ट। तो ये हो गए पॉपुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो स्टेरॉइड्स है। तो अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो शॉर्ट एक्टिंग के थोड़े समय के लिए जो इफेक्ट देने वाले हैं वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन। फिर इंटरमीडिएट हम देखें तो शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ी ज़्यादा समय तक इफेक्ट देने वाले, जैसे कि प्रेडनिसोलोन है एंड प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। फिर ट्राई एम सी नोलॉन जो है वो भी इंटरमीडिएट कहा जाता है, बट लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हम देखें कि जिनकी असर लंबे समय तक रहती है तो वो है बीटा मिथासोन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आते हैं, डेक्सामिथासोन है, पैरा मिथासोन है, तो ये सब लॉन्ग एक्टिंग है। और चौथा क्लास उसके अंदर बनता है टॉपिकली एक्टिंग। तो उसको टॉपिकली लिया जो है वो उनके क्रीम्स वगैरह होते हैं, या फिर एरोजोल की भी उनके अवेलेबल होते हैं कि जो इन्हेलर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैक्लोमिथाजोन है, तो उसके टॉपिकल क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती है कि जब आपको सूजन होती है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई है, तो उस वक्त ये जो क्रीम्स लगाए जाते हैं, बुडेसोनाइड आता है, फिर फ्लुसिनोलॉन एसीटोनाइड के जो है वो टॉपिकली एक्टिंग मेडिकेशंस आते हैं, और फ्लुओकॉर्टोलॉन जो है ये सब टॉपिकली एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, कि जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहे जाते हैं। तो ये सभी मार्केट के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, उसके अलग अलग डोजेस बम की। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ही हम देखें तो बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह से ये जो प्रेडनिसोलन है, कि प्रेडनिसोलन, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलन भी सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसी के साथ साथ आप देखो तो फ्लुओसिनोलॉन और बैक्लोमिथासोन के भी आपको फॉर्मुलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर फ्लुओकॉर्टोलॉन के भी बहुत सारे
फॉर्मुलेशंस जो है वो मिल जाते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाए। तो इनके सभी टाइप के खासकर डोजेस फॉर्म आपको मिल जाते हैं कि ये इंजेक्शंस फॉर्म में भी कुछ अवेलेबल होते हैं, उनके टैबलेट्स वगैरह भी आती है और कुछ के जेल्स या फिर क्रीम वगैरह भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है एज अ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। उसके बाद एक और पॉपुलर मेडिकेशन है कि जो नेचुरल हम कह सकते हैं नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो है सेराटियोपेप्टिडेज के टैबलेट्स कि जो 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। तो सेराटियोपेप्टिडेज जो है वो अब वाइडली यूज़ होने वाला एक मेडिकेशन से कि जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और उसकी आप स्ट्रेंथ देखो तो सिर्फ 10 मिलीग्राम के अंदर यूज़ होता है ये, तो 10 मिलीग्राम में भी ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और इसके कॉम्बिनेशन भी आप कई बार देखोगे कि सेराटियोपेप्टिडेज के जो कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल के साथ, एसिक्लोफेनेक के साथ या फिर डाइक्लोफेनेक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो सेराटियोपेप्टिडेज एक्चुअली क्या है, तो वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और सेराटियोपेप्टिडेज या फिर सेरापेप्टिस भी जिसको कहा जाता है कि जो आइसोलेट किया जाता है नॉन पैथोजेनिक एंटेरोबैक्टीरिया सेराटिया E15 में से फाउंड इन सिल्क वॉर्म, कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो देखे जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में से ये जो एंजाइम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि जिसका नाम है सेराटियोपेप्टिडेज। और ये एंजाइम के पास ऐसी इफेक्ट है कि जो इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। तो ये भी एक पॉपुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है सेराटियोपेप्टिडेज। फिर टर्मेरिक का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि टर्मेरिक भी क्या करती है, हेल्प करती है प्रिवेंट करने में और रिड्यूस करने में हमारे इन्फ्लेमेशन को। तो टर्मेरिक के जिसको हम हल्दी कहते हैं तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट रहता है ये कुरकुमिन। तो कुरकुमिन जो है, कुरकुमिन के पास जो इफेक्ट है वो है एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड कहा जाता है कि जो हमारी टर्मेरिक के अंदर होता है, कि जो हल्दी के अंदर। तो आप देखो जब किसी को अंदरूनी सूजन होती है या फिर सूजन वगैरह होती है तो वहाँ पे ये हल्दी भी लगाई जाती है कि सॉल्ट और हल्दी का मिक्सचर करके वो गर्म करके वहाँ पे लगाया जाता है, या फिर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो भी आपकी बॉडी की जो अंदरूनी जो सूजन होती है वो कम होती है। तो टर्मेरिक इस तरह से काम करता है कि जैसे कि आपको पेन होता है तो वो रिड्यूस करेगा, और स्टिफनेस है मतलब कि जो जॉइंट्स अकड़ जाते हैं या फिर किसी भी जगह पे ऐसी अकड़न देखने को मिलती है तो वो कम करेगा, सूजन कम करेगा ये टर्मेरिक। और उसके ग्रेट बेनिफिट्स हम देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर कम करने के लिए। फिर एक और पॉपुलर कॉम्बिनेशन है वो है यूनिवेस्टिन, कि जो मैक्वेस्टिन के टैबलेट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर ये एक फूड बेस्ड नेचुरल कंपोजिशन हम कह सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर दो ऐसे हर्ब्स यूज़ किए गए हैं कि एक है अकेसिया कटेचू कि जिसको हम खैर कहते हैं हिंदी के अंदर, और दूसरा है चाइनीज़ कल कैप। तो चाइनीज़ कल कैप और ये अकेसिया दोनों में से जो उसके एक्सट्रैक्ट लिए गए कि जैसे फ्लेवन्स लिए गए हैं अकेसिया में से और फ्लेवेनॉइड्स लिए गए हैं चाइनीज़ कल कैप में से, और उनसे जो कॉम्बिनेशन करके जो बना हुआ जो एक पेटेंटेड नेचुरल फूड बेस्ड कंपोजिशन है कि जिसको यूनिवेस्टिन कहा जाता है। तो ये यूनिवेस्टिन को यूज़ करके बहुत सारे अब पॉपुलर फॉर्मुलेशंस जो है वो बन रहे हैं कि जो इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और स्पेशली जो जॉइंट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन होती है स्पेशली जॉइंट के हेल्थ के लिए, बिकॉज जो आर्थराइटिस होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह के अंदर जॉइंट के अंदर पेन भी होता है और वहाँ पे सूजन भी होती है। तो उस वक्त ये मेडिकेशंस के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो रिड्यूस करता है आपका इन्फ्लेमेशन की जो रिस्पॉन्सिबल है पेन वगैरह के लिए और डिसकम्फर्टनेस के लिए, तो उसको कम करेगा। और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी एंजाइम्स होते हैं मेडिएटर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है और इनहिबिट करता है। और इस तरह से ये यूनिवेस्टिन काम करता है कि जिसके एक पॉपुलर फॉर्मुलेशन है वो है मैक्वेस्टिन के टैबलेट्स। तो अब समझते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते। तो ऐसे सभी कंडीशंस कि चाहे वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, कि जब जहाँ पे लंबे समय तक सूजन चलती है और जिसके कारण आपके डेली वर्क जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं,
तो उस वक्त ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ किए जाते कि जैसे कि अलग अलग ऐसे इन्फेक्शंस हुए हैं बॉडी के अंदर और उसमें एक सूजन देखने को मिल रही है कि जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन या फिर आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली ऐसे सूजन देखने को मिल रहे हैं कि पेन हो रहा है किसी शोल्डर पे, जॉइंट पे पेन हो रहा है, स्टिफनेस देखने को मिल रही है कहीं पे, अकड़न हो चुकी है कहीं पे भी, तो उस वक्त ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर कैंसर के दौरान होने वाले इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस में होने वाले इन्फ्लेमेशन, कोई ऑटो इम्यून डिसीजेस के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कार्डियोवास्कुलर, जितने भी ऐसे कंडीशन की जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस यूज़ की जाती है। तो अब जानते हैं उसके डोज के बारे में। तो यूजअली जो है वो लोअर डोज से ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। जैसे कि आप देखो सेराटियोपेप्टिडेज है तो उसका जो डोज है वो 10 मिलीग्राम है। तो यूजअली जो पेशेंट्स है वो 10 मिलीग्राम के टैबलेट से ही स्टार्ट करते हैं। यूजअली ये वंस अ डे लेते हैं कि दिन में एक ही बार लेते हैं, और एक बार लेने से समझे कि ठीक ना हो तो ही आप दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं, और 2 बार भी तभी लेना है प्रॉपर डिवाइडेड डोज के अंदर, कि समझो कि 20 मिलीग्राम का समझो कि टोटल डोज दिन में लेना है, तो 10 मिलीग्राम जो है वो आप मॉर्निंग में लेते हैं और दूसरा 10 मिलीग्राम रात में लेते हैं, और दोनों डोज के बीच में एटलीस्ट 24 आवर्स का, सॉरी 12 आवर्स का गैप रहे, उस तरह से आपको दो मेडिकेशंस लेनी है। कि एक समझो कि सुबह 10 बजे लेते हैं तो दूसरा मेडिकेशंस रात को जो है वो 10 बजे लेना चाहिए, कि जिससे दो डोज के बीच में एटलीस्ट 12 आवर्स का जो है वो गैप रहे। और समझो कि आप सिंगल डोज ही लेते हैं तो सिर्फ लोअर डोज में किसी भी एक समय पे लेना चाहिए, और प्रॉपर जो है वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेनी चाहिए। बिकॉज आप सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस के ऊपर आप खास कर देखोगे तो रेड लाइन उनके रैपर्स के ऊपर देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप देखो कि चाहे सेराटियोपेप्टिडेज है, बीटामिथाजोन है, डेक्सोना है, कि यहाँ पे भी RX और ये रेड लाइन यहाँ पे है, और यहाँ पे डाइक्लोफेनेक या फिर पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन डायनापार में भी आपको रेड लाइन जो है वो देखने को मिलती है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही यूज़ करने, बिकॉज ये RX ओनली है कि आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग टू ही प्रॉपर लेनी होती है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें कि समझो कि आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके बॉडी के ऊपर। तो उसके कारण इनडाइजेशन हो सकता है, स्टमक के अंदर अल्सर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब कि सर दर्द होना, ड्रॉसीनेस जैसा फूलना, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फीलिंग सिक या फिर डायरिया, कि आप बीमार हो ऐसा आपको फील होना। तो जब नसेड्स जो है वो लंबे समय तक यूज़ करते हैं आप और हायर डोज में यूज़ करते हैं, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, स्पेशली ये स्टमक अल्सर्स, कि जब ये उसके जो टैबलेट्स आप लेते हो हायर डोज के अंदर और रेगुलरली लेते हैं, तो इस तरह से आपके स्टमक के अंदर ये अल्सर जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें कि प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ और प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही ये मेडिकेशंस को आप यूज़ करें। फिर समझते हैं जो स्टेरॉयडल एंटीमेटरी ड्रग्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो उनके साइड इफ़ेक्ट आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एक है एक्ने, कि जो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस तो है सूजन कम करती है, पर ये स्टेरॉयड्स है और स्टेरॉयड्स को लंबे समय लेने से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक्ने हो सकता है, इनसोम्निया होना, मतलब कि आपको रात को लेट नाइट तक जो है वो नींद नहीं आती, फिर वर्टिगो का प्रॉब्लम, मतलब कि चक्कर आ सकते हैं आपको, कई बार वेट गेन होता है, स्किन जो है वो इम्पेयर होती है, उसका हीलिंग इम्पेयर हो जाता है, कई बार लंबे समय तक ये स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है आपको, आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो सकती है, भूख बढ़ेगी आपकी, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है ये स्टेरॉयड्स के कारण, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं कि अगर आप फीमेल है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, ग्लूकोमा हो सकता है, बोन मसल या फिर जॉइंट पेन होगी कि अगर आप उसको हाई डोज में लंबे समय तक यूज़ करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं और स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो जो स्टेरॉयडल जो हमने सीखी। अब जो नेचुरल है उसके तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कि जैसे नौजिया, वॉमिटिंग होना,
स्टमक अपसेट या फिर एसिडिटी जैसा होना जाना वो कॉमन या फिर नॉर्मल साइड इफेक्ट कह सकते हैं जो नेचुरल है, जैसे कि सेराटियोपेप्टिडेज आप यूज़ करते हैं, टर्मेरिक यूज़ करते हैं या फिर यूनिवेस्टिन यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आपको मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि अगर आप नसेड यूज़ करते हैं या फिर स्टेरॉयडल यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर, तो उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले ये रहेगा कि आपको अच्छे से पहले पेशेंट काउंसलिंग करवाना है, और पेशेंट काउंसलिंग के दौरान आपको बताना है कि अगर आपको कोई एलर्जी है, कि जितने भी हमने यहाँ पे अलग अलग मेडिकेशंस डिस्कस किए उसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की या फिर किसी भी मेडिकेशंस की आपको एलर्जी है और वो मेडिकेशन सब्जी की आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, तो तुरंत आप पेशेंट काउंसलिंग के दौरान आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, कि जिससे उनको पता चले कि आपको वो इंग्रेडिएंट की एलर्जी है, वो मेडिकेशंस की एलर्जी है। फिर आप ऐसे पेशेंट हैं कि आपका किडनी या फिर लीवर जो है वो फेल हो चुका है या फिर उनके फंक्शंस जो है वो अच्छे से काम नहीं करते, तो भी आपको जो है वो बताना है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर प्रिकॉशंस या फिर कोशन के साथ लेनी है। फिर सेम जो किडनी डिसीज़ के आप पेशेंट हैं, तो भी प्रॉपर आपको कोशन के साथ ही ये मेडिकेशन, मतलब कि प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, या फिर अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज़ की जाती है। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी है तो भी यूज़ ना करें। लीवर फेलियर के पेशेंट है, या फिर आपको कोई गैस्ट्रिक अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑलरेडी, या फिर आपका जो स्टमक है वहाँ पे कोई अल्सर है, तो उन लोगों को भी ये प्रॉपर कोशन के साथ जो है वो यूज़ किया जाते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो यहाँ पे हमने सीखा अलग अलग मेडिसिन के बारे में कि जो सूजन के इलाज में यूज़ होती है, तो ऐसे ही जो अलग अलग डिसीजेज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में सीखे फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, कि जो मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर उनके PDF PPTs अफोर्डेबल प्राइस में आप एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। या फिर आपको क्वेरी हो तो ये नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्सेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।